हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एकदम सस्ती और अच्छी वेबसाइट के बारे में जिसका नाम है मीशो, जहां से कई सारे लोग भर भर के ऑर्डर्स कर रहे हैं, जिसके अंदर हमें कई सारी अलग अलग प्रोडक्ट्स वगैरह काफी सस्ती प्राइस में देखने को मिल जाती है। तो हम यहां से कुछ प्रोडक्ट्स को परचेस करेंगे और उसके बाद उसका पूरा रिव्यू करेंगे कि मीशो के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स मिल रही है ये सही में यूजफुल है या नहीं। गाइस, तो सबसे पहले जो है अपने स्मार्टफोन के अंदर मैं मीशो ओपन कर लेता हूँ। गाइस, तो यहाँ पे जो है हमें सबसे पहले फर्स्ट प्रोडक्ट मिलते हैं एक्स्ट्रा बास हेडफोन, जिसकी प्राइस हमें 200 से लेके 250 रुपए के अंदर मिल जाती है। और गाइस, उसके बाद हम सेकंड प्रोडक्ट यहाँ पे परचेस करेंगे, यूनिक पेन, जो नॉर्मल पेन नहीं कर सकती वो काम ये पेन कर लेती है। उसके बाद है ये थर्ड प्रोडक्ट, जिसमें हमें 150 रुपीज के आसपास जो है ये तीन एयरफोन्स मिल जाते हैं। उसके बाद जो है गाइस, यहाँ पे हमें एक एलईडी ट्यूबलाइट देखने को मिल जाती है, तो इसे भी हम एड टू कार्ट कर लेते हैं। और लास्ट यानी कि फिफ्थ प्रोडक्ट है 5-in-1 मल्टी पेन, तो इसे भी हम एड टू कार्ट करके बाय कर लेते हैं। तो ऐसे करके जो है मैंने यहाँ पे टोटल 5 प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट किया है, तो इन सभी प्रोडक्ट्स को हम परचेस कर लेते हैं। गाइस, तो यहाँ पे जो है सारी प्रोडक्ट्स मेरे पास आ चुकी है, जिसे हम एक एक करके पूरा ट्राई करने वाले हैं। अगर आप इनमें से किसी प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हो तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फर्स्ट है ये एक्स्ट्रा बास वाले हेडफोन, जो कि काफी बड़ी साइज में है और इसका जो बॉक्स है वो काफी, इसकी कंडीशन जो है बेकार हो चुकी है। देखते हैं इसके अंदर का हेडफोन सही है या नहीं। गाइस, तो ये है वो एक्स्ट्रा बास हेडफोन जो कि हमें काफी सस्ती प्राइस में देखने को मिल जाते हैं। और जैसे हम इसे यहाँ से निकालते हैं, इसके अंदर भी पैकेजिंग था तो मेरे ख्याल से एकदम सही होगा। और ये जो हेडफोन है ये पूरा वायर हेडफोन है, इसे जो हमें कुछ इस तरीके से रोटेट करके इसे सेट कर लेना है। इसका ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे हमें एक मटेरियल लगाया हुआ मिल जाता है और यहाँ पे थोड़ा कंफर्टेबल सा हम फील ले सकते हैं। जैसे कि इसे बड़ा करना हो तो यहाँ से दोनों साइड से निकाल के हम इसकी साइज बढ़ा सकते हैं। चलिए गाइस, तो इसे ट्राई करके देखते हैं कि इसकी साउंड क्वालिटी हमें कैसी मिलती है। इसके अंदर हमें बेस काफी कम देखने को मिल जाता है और इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो प्राइस के हिसाब से थोड़ी बहुत अच्छी खासी मिल जाती है, लेकिन प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक है। गाइस, तो सेकंड जो गैजेट है ये है हमारी यूनिक पेन, जो हमारी नॉर्मल पेन नहीं कर सकती ये वो काम कर लेती है। क्या बात है, कांच का ग्लास हो उसके अंदर भी हम इस पेन की मदद से लिख सकते हैं। इसे तो हमें ट्राई करना ही पड़ेगा क्योंकि ये काफी यूनिक पेन है। कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल जाती है। जैसे हम इसे यहाँ से ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से एक पेन मिल जाती है। तो सिंपली कुछ इस तरीके से यहाँ से इसे ओपन करके इसे दो बैटरीज को लगाना है, प्रेस करता हूँ तो जैसे कि मैं इस पेन को अगर इस बॉक्स के ऊपर लिखना चाहूँ आप देख सकते हैं गाइस, कुछ इस तरीके से यहाँ पे राइटिंग हो चुकी है, जो मेरे यहाँ पे क्लीन करने से भी ये क्लीन नहीं होगी। दीवारों पे तो ये काफी अच्छे तरीके से वर्क कर सकती है। और दूसरी पार्ट को हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा देना है। अगर आप यूनिक गैजेट चलाना पसंद करते हो तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। गाइस, तो यही है वो तीनों एयरफोन जो कि हमें 150 रुपीस के अंदर मिल जाते हैं। जो ये तीनों एयरफोन जो है वो अलग अलग कलर के साथ मिलते हैं। देखते हैं ये 150 रुपीस में हमें कैसी क्वालिटी मिलती है। ऐसे हम इन सारे एयरफोन्स को निकाल लेते हैं। एक है ब्लू कलर में, दूसरा है ये ग्रीन कलर में और लास्ट है ये रेड कलर के साथ। तो इसी तरीके से हमें 150 में ये तीनों एयरफोन्स मिल जाते हैं। 50 रुपीस में काफी अच्छी क्वालिटी देखने को मिल जाती है। और इसके हम अगर लेंथ देखें, काफी लंबी लेंथ देखने को मिल जाती है, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें इस एयरफोन के अंदर कोई भी बटन्स वगैरह नहीं मिलता है, जो इस एयरफोन से आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे मैंने इस एयरफोन को ट्राई किया तो इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफी ठीक ठाक है और यहाँ पे बेस जो है वो काफी कम है। लेकिन अगर हम ब्रांडेड एयरफोन्स की प्राइस और इसकी प्राइस की बात करें तो दोनों में काफी डिफरेंस है, तो ये प्राइस के हिसाब से तो काफी सही रहेगा। उसके बाद है ये हमारी यूएसबी वाली ट्यूबलाइट। ये वाली जो ट्यूबलाइट है ये हमें कहीं पे लगानी नहीं है, इसे हम यूएसबी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करके चला सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल इसे ओपन करके निकाल लेते हैं। इस ट्यूबलाइट की जो साइज है वो काफी स्मॉल है, आप देख सकते हैं। तो जैसे इस पावर बैंक पे इस ट्यूबलाइट को यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, देख सकते हैं गाइस, इसे कनेक्ट करते ही हमारी यूएसबी ट्यूबलाइट जो है ये ऑन हो जाती है कुछ इस तरीके से। तो मैं सारी दूसरी लाइट्स को ऑफ कर देता हूँ। सभी लाइट्स को ऑफ करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें काफी ब्राइटनेस वाली ट्यूबलाइट देखने को मिल जाती है। कि साइज एकदम छोटी सी है लेकिन इसकी जो ब्राइटनेस है वो काफी ज्यादा है। इस एलईडी ट्यूबलाइट को हम अपने घर में या ऑफिस में भी यूज कर सकते हैं। तो इसे परचेस करने के लिए इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से डायरेक्ट परचेस करके मंगा सकते हैं। लास्ट है ये फंकी पेन। इसके अंदर जो पेन है, इस पेन को हम 5 तरीके से यूज कर सकते हैं। हम इस बॉक्स को यहाँ से ओपन करते हैं। कहाँ से करना है इसे, रहा नहीं जाता।
जिस तरीके से हमें यहाँ पे पूरी एक पेन सेट की हुई मिल जाती है। गाइस ये जो पेन है ये दिखने में तो काफी नॉर्मल सी लगती है। गाइस तो इस पेन का सबसे पहला और फर्स्ट वाला फीचर है, यहाँ से इस पार्ट को ओपन करके पेन से हम काफी अच्छी राइटिंग कर सकते हैं। यही नहीं, हमें यहाँ पे एक लेजर लाइट देखने को मिल जाती है, ये है सेकंड फीचर। यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें एक टॉर्च भी देखने को मिल जाती है, जिसे चलाते ही यहाँ पे हमें काफी अच्छी टॉर्च मिल जाती है। जैसे कि ये पेन जो है ये दिखने में नॉर्मल लग रही है, लेकिन इस पेन को जैसे हम यहाँ से खींचेंगे पेन तो पूरी स्टिक के रूप में बदल जाती है। तो कुछ इस तरीके से आप स्टिक की तरह भी इस पेन को यूज कर सकते हो। इस पेन के अंदर और एक फीचर है कि यहाँ पे हमें लास्ट में जो है एक मैग्नेट भी मिल जाता है, जिससे हम किसी भी चीज को दूर से भी जो है कुछ इस तरीके से नजदीक ला सकते हैं। गाइस ये पेन तो मुझे काफी अमेजिंग लगी, आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके अंदर की साइड में यहाँ पे 3 बैटरीज लगती है, जो हमें साथ में 3 बैटरीज एक्स्ट्रा भी मिल जाती है। गाइस मुझे तो इनमें से कुछ गैजेट्स यूजफुल लगे और कुछ गैजेट्स प्राइस के हिसाब से सही लगे, लेकिन ज्यादातर जो है सारे प्रोडक्ट्स हमें प्राइस के हिसाब से सही मिल जाती है। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। गाइस तो ऐसे ही गैजेट्स के वीडियो देखने के लिए आप भी हमारी फैमिली के साथ जुड़ सकते हैं, और साथ में जुड़ने के लिए नीचे रेड बटन सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।